नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद सिंह रावत आप सभी का एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एकेडमिक क्लासेस आप सभी को हमारे इस चैनल पर उपलब्ध होने वाली हैं, तो आप लोगों के लिए आज हम 10 क्लास का मैच जो शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं, तो आप लोगों को जल्द से जल्द अपने भाइयों को बता देनी है कि सभी क्लासेस की आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो उपलब्ध होंगी, वो भी आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों ही बायलिंगुअल लैंग्वेज में आप लोगों को जो है पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज हमारा 10th क्लास का पहला जो चैप्टर हम शुरू करते हैं, तो इसमें पहला जो चैप्टर है उसमें आप लोगों का नाम पता होना चाहिए आप लोगों क्या है 10th क्लास का चैप्टर 1। एक्सरसाइज भी आज हम करने वाले हैं, फन पॉइंट बना आप लोगों को करके दिखाने वाले हैं। तो अपना पहले ही चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों का है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये आना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है। और आप लोगों को वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आप लोगों को जो है कब तक कि आपके एग्जाम जो है होने वाले हैं, उसी हिसाब से जल्द जो है आप लोगों का कोर्स कम्प्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। ओके, और आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है। ओके, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा रियल नंबर जैसा कि आप लोगों का दिया गया है, तो रियल नंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअल में रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मैं आपसे बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों के लिए हमने ये नंबर लाइन ले ली है, अब नंबर लाइन पर यदि हम डिलोट इनको करना चाहे डिलोट करना चाहे तो ये आपको पता है ये निगेटिव की हो जाती है और ये आप लोगों का पॉजिटिव की हो जाता है। और इस प्रकार से यदि हम चलते हैं तो इन्फिनिटी पर ये जाएगा, इन्फिनिटी पर ये जाएगा। तो रियल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नंबर लाइन पर किन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लगभग सारे के सारे हैं जितने भी अंक होते हैं हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट जो है कर सकते हैं, बस अर्थ एक जो है नंबर उनको छोड़कर। यदि रूट के अंदर और माइनस का कोई भी अंक होता है, माइनस का यदि इस प्रकार का अंक होता है जो कि उसे माइनस से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसी के लिए हम क्या है जो इस प्रकार की यूज करते हैं। यदि रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वास्तविक रियल नंबर नहीं रहता, वो एक्चुअल में बहुत ही ऐसी संख्या बन जाती है वो रियलिटी में नहीं आती है, इसे इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए आप लोगों को यदि 11th क्लास में पहुंचोगे जब आप लोगों को सिखा दिया जाएगा ये रूट के अंदर जो माइनस का यदि नंबर होता है तो आप लोगों को आयोटा यूज किया जाता है। तो ये अभी आप लोगों के लिए क्लास का लेवल का नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ इसमें रूट के अंदर यदि माइनस के अंक आते हैं उनको छोड़कर जितने भी अंक हैं हमारे संसार में सब कुछ आप लोगों का जो इस पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यदि बात की जाए 2 की तो आप लोगों को पता है टू ये रहा, यदि माइनस टू की बात की जाए तो ये रहा, यदि 2.5 की बात की जाती है तो आप लोग 2.5 की यदि हम करके दिखाते हैं 2.5 यदि हम ये उठाते हैं तो आप लोगों का 10 रहा। अब ये आप लोगों का क्या 2 5 5 5 5 5 2 10 मीन्स 5/2 मीन्स आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको यदि आपने 8th क्लास पढ़ा हो, अभी हम 8th क्लास की लगातार वीडियो डाल रहे हैं, तो नंबर लाइन पर मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जो सिखाया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सिर्फ आप लोगों के ये नंबर को छोड़कर जो रूट के अंदर माइनस के साथ आते हैं इन नंबर्स को छोड़कर कोई भी अंक हो आप लोगों का ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ओके, जिनमें हम आप लोगों को नेचुरल नंबर बता सकते हैं, आप लोगों का इवन ऑड नंबर बता सकते हैं, इंटीजर जो भी होते हैं आप लोगों का, और इरेशनल नंबर रैशनल नंबर सारे के सारे जितने भी नंबर आप लोगों के होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं छोड़कर इनको इनको। ओके, तो इसी के साथ हम जो है अपना शुरू करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मोस्ट ऑफ जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे मोस्ट ऑफ हमारे टीचर्स भी होते हैं उनको छोड़ना ही उचित समझा जाता है, इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये चैप्टर काफी आसान भी नहीं है और इतना काफी कठिन भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा कि आप लोगों को जो है किस प्रकार से चीजों को समझना है। और सबसे पहले आप सभी को चीजों को बेसिक तरीके से समझना है, आप लोगों को इस प्रकार से अपना किसी भी चीज पर प्रेशर नहीं डालना है, आप लोगों को सिर्फ चीजों को ध्यान से समझना है किस प्रकार से क्या किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज जो इसका बेस है इस पूरे चैप्टर का उसकी ओर लेकर के चलना चाहूंगा। आप लोगों का यूक्लिड थ्योरम आप लोगों क्या कहती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जो है कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। बायलिंगुअल लैंग्वेज में आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि जो कुछ भी हम आप लोग पढ़ाते हैं आप ही लोगों की बुक्स में से पढ़ाते हैं, ये हमारा हिंदी मीडियम और ये हमारा इंग्लिश मीडियम, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप तैयारी करने के लिए बैठते हो तो हम आप लोगों से एक ही सजेस्ट करना चाहेंगे, जब भी हमारी क्लास आप लेते हो तो कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाना है, अब आप लोगों को कोई भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस घर पर ही कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोगों के लिए हम जो है संडे टू संडे जो है आप लोगों का डाउट क्लासेस भी लगाने वाले हैं, यदि हमारे स्टूडेंट्स पे डाउट आना शुरू हो जाते हैं तो हम आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी बुक्स में ही देखना है कि आप लोगों को जो यूक्लिड थ्योरम है जो आप लोगों से कहती क्या है, यूक्लिड थ्योरम आप लोगों का ये दिया गया है
जो आप लोगों का दिया गया थ्योरम 1.1 करके दिया गया है यूक्लिड थ्योरम, आप लोग क्या कहती है ये आप लोगों से, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए एंड बी दीज एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, एंड यहाँ पर आपको दिया गया है क्या कि आर इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, मीन्स आर इज नॉट ग्रेटर देन वी, सॉरी से बोलना चाहूंगा आर इज, इस तरह से मैं यूक्लिड थ्योरम जो यहाँ पर लिखे देता हूँ क्या कहता है यूक्लिड, डिवीजन थ्योरम आप लोगों से कहती क्या है आप लोगों का दिया गया है, तो ये आप लोगों को समझाना चाह रही है, मैं आप लोगों को सीधा सीधा लिख देना चाहूंगा कि आप लोगों का जिस प्रकार से दिया गया है ए ए इज इक्वल टू दिया गया है इसमें आप लोगों का क्या बी क्यू प्लस आर, और यहां पर एक आप लोगों को कंडीशन दी गई है क्या जीरो बड़ा होगा क्या आप लोगों का दिया गया है आर एंड आप लोगों का दिया गया बी, मीन्स इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि आर इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये आर जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता इसका भी मैं आपको फैक्ट समझाने वाला हूं, क्योंकि यदि हम किसी भी जैसे आपका फाइव दिया गया है, यदि फाइव दिया गया है अब आर इज नॉट ग्रेटर देन बी, यहाँ पर जैसे अभी आपने एक थ्योरम तो वो तो पढ़ा ही होगा कि भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, हम लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ लिया था क्या डिवाइड इक्वल टू डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वाड जो आपका शेषफल आता है और साथ ही रिमाइंडर, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे फाइव से भी हमने इसमें थ्री में भाग दिया थ्री में डिवाइड किया तो जो कुछ भी आएगा सॉरी में जो आप लोगों का आने वाला है इससे यदि भाग चला जाएगा, यदि ये इससे बड़ा होगा तो भाग भी ना चला जाएगा, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये रहा टू ये आएगा थ्री वन जन थ्री ये आप लोगों का टू बचने वाला है, तो यहां पर आप लोगों को देखना ये इससे छोटा है रिमाइंडर इससे डिवाइजर इससे क्या छोटा है, तो आप लोगों को इसी प्रकार से ये बड़ा नहीं हो सकता ये आप लोगों के, यदि ये बड़ा होता है इससे यदि तीन भी होता तो भी कट जाता तो आप लोगों का बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा तो छोड़ो बराबर भी नहीं हो सकता ओके, और उसमें आपको समझाना चाहूंगा ये आप लोगों की पूरी जितना भी आप लोगों सवाल होने वाला है उसका बेस आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो चुका है, जिसमें हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को एक बार और बताना चाहूंगा यूक्लिड ने कहा यूक्लिड ने क्या कहा आप लोगों से, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि किस प्रकार की संख्या विद्यमान है कि ए इज इक्वल टू दिया गया बी क्यू प्लस आर, मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करना चाहूंगा ए है आप लोगों का ये ए आप लोगों का ये है और बी इंटू क्यू बी इंटू क्यू बी जे है और क्यू जे है ओके और आर जे है, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट टू शॉर्ट एंड स्वीट टू स्वीट पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए हम आप लोगों के लिए जब तक ये हो सकता है कि आप लोगों के लाइव क्लासेस लेकर के आने लगे अभी आप लोगों के लिए जो वीडियो उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन जल्द से जल्द हमारा उद्देश्य जो है आप लोगों से जुड़ने का इस प्रकार से कि आप हमें लाइव देख सको, फिलहाल आप लोगों के लिए जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं सो प्लीज हमें आप लोग भी सपोर्ट कीजिए किस प्रकार से आप लोग क्या क्या चाहिए तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते रहिएगा ओके, तो आइए एक्सरसाइज 1.1 की ओर चलते हैं, यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ना यूक्लिड थ्योरम का ही उपयोग करने के लिए कह रहा है, यूक्लिड थ्योरम जो है आप लोगों को इसका मैं जो है नाम मिटा सकता हूं आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ओके, एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों का शुरू हो चुका है, यूक्लिड थ्योरम आप लोगों को लिख देना है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ ए क्या है बी क्या है और क्यू क्या है आर क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अब जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को अपनी बुक निकाल लेनी है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप लोगों को जो है यूक्लिड की जो एल्गोरिथम है उसको आप लोगों को थ्योरम जो है इसका प्रयोग करना है, तो आइए इसका शुरुआत करते हैं, जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दिया गया है 135 मीन्स 135 एंड दिया गया है आप लोगों का क्या 200 प्लस दिया गया है और दिया गया है 225 आप लोगों का दिया गया है, यदि आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हो तो जैसा कि आपसे पता है एचसीएफ निकालने के लिए आप इस प्रकार से करोगे 225 है मैं आपको आसानी से दिखा सकता हूँ ये 135 दिया गया है, अब यदि 135 से यदि आप इसमें डिवाइड दोगे 2 एंड 5 में तो 110 ही जाना है ये क्लियर ही होगा, क्योंकि यदि आप इसे एक बार में दो बार में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे इसे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा लगभग 270 हो जाएगा, तो 135 एंड इसको यदि आप माइनस करते हो देन आप लोगों का जीरो आने वाला है, इसमें से यदि आप ये घटाओगे तो आप लोगों का कितना आने वाला है 9 सॉरी आप लोगों का आने वाला है 9 और 3 मीन्स आप लोगों का आने वाला है 9 ओके,
और यहाँ आप लोगों का जीरो आ गया। मीन्स कहने का सीधा सीधा ये है कि आप यदि 225 को लिखना चाहते हो तो इसको बराबर में आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि आप 135 और इंटू 1 और प्लस का क्या 9, ये इस वाला फॉर्म हो गया क्या ए स्क्वायर टू बी इंटू क्यू और प्लस का आर। रिमाइंडर तो दिया रहता है आप लोगों का, यदि आपको क्या कराए कि ये जो थ्योरम की क्या कंडीशन थी, ये बी जो है आर से बड़ा नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है, तो ये इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसको वन टाइम और डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स आप लोगों को अब 135 को डिवाइड करना होगा, मीन्स आप 90 से आप डिवाइड करोगे कितना 135 को, वन टाइम यदि आप करते हो तो ये आप लोगों का आने वाला है 5 आएगा और ये आप लोगों का होने वाला है 4, कितना होने वाला है 4। तो इसमें आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मीन्स यदि आप लोग इसको लिखना चाहते हो, इसको लिखना चाहते हो, इस प्रकार से लिखोगे क्या 135 को 90 इंटू 1 और प्लस में आप लोगों को लिखना है 45, क्या लिखना है 45 आप लोगों को लिखना है। तो ये चल रहा है आप लोगों को, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, यहां तक मैं आसानी से मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे आप लोग क्या करना है कि ये भी अभी भी आप देख सकते हो बी जो है आर से बड़ा है, तो फिर से आप लोगों को वन टाइम डिवाइड देना होगा। यूक्लिड थ्योरम आप लोगों से क्या कहती है, फिर से बोलना चाहूंगा कि ए स्क्वायर टू बी क्यू प्लस आर, देन यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई क्या, वी जो है आर से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने अभी अभी आपको जो है सोल्व करके बताया, टू पर टू बता दिया गया है। अब यदि ये भी नहीं हो सकता है तो आप लोगों को फिर से एकदम 90 का देना है, तो ये आप जाएगा 2 टाइम्स और ये आप लोगों का हो जाएगा 0 एंड 0 हो गया। मींस 40 को यदि आप लिखना चाहते हो तो 45 को लिखना चाहते हो तो सॉरी 90 को यदि आप लिखना चाहते हो कितना 90 को, ये आता है 45 इंटू 2 और प्लस 0। मींस आप लोगों का कोई भी रिमाइंडर, नो रिमाइंडर शेष, कोई भी रिमाइंडर आप लोगों के शेष नहीं है। सॉरी सर, यहाँ पर मेरे से बार बार जो कुछ बोला जा रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा यूक्लिड थ्योरम के बारे में, मैं आपको बार बार बता रहा था कुछ ए इंटू वी जिस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर कंडीशन क्या थी मैं लिखे देता हूँ, क्या जीरो दिया गया है, जीरो और लेस देन आर और ग्रेटर देन बी। जीरो जो है बड़ा होगा, जीरो आर जो है जीरो से बड़ा होगा और जो है बी से आर छोटा होगा, तो बी से छोटा होना चाहिए आर, आर छोटा होगा बी से, तो आर छोटा है यहाँ पर बी से, इस प्रकार से ये यूक्लिड थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों सॉरी बोल हर बार मैं ये बोल रहा था आप लोगों से, ये इससे ग्रेटर सॉरी थे, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया गया, क्या क्लियर कर दिया गया कि बी, अब ये आपको पता होना चाहिए जिधर की ओर मुंह खुलता है उधर की संख्या बड़ी होती है, जिधर की ओर मुंह खुल रहा है तो ये बड़ी, मीन्स बी बड़ा है किससे आर से, तो बी आप लोगों को बड़ा है आर से, तो आप लोग किस पर फोकस करना है बी पर, देन आप लोग देख सकते हो ये थ्योरम आप लोगों से क्या कहते हैं ए प्लस आर, तो यहाँ पर आप लोगों का बी दिया गया ये, तो बी आप लोगों का ये दिया गया है ओके। और साथ ही साथ आप लोगों का क्या ग्रेटर देन होना चाहिए बी, तो आर से, तो ये आप लोग आर देगा और आर जो है बी से छोटा है, जिस प्रकार से आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर क्या आने वाला है 45 आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि यदि 45 से आप डिवाइड देते हो तो पूरा पूरा कट जाता है, तो 45 आप लोगों का मीन्स आप लोगों का रिमाइंडर जीरो बचता है, तो वही आप लोगों का राइट आंसर होगा ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं। यदि आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हो, आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है तो फिर से बोलना चाहूंगा संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है ओके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहता है क्या, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों को इस बात पर फोकस करना है किस प्रकार से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों को मेरे पढ़ाते समय आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन को जरूर देखना है। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोगों क्या कहता है 38,000 और 220, तो ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों क्या बोलता है आप लोगों से यूक्लिड थ्योरम से आप लोग एचसीएफ निकालना है, तो 196 एंड आप लोगों का दिया गया है किस प्रकार से दिया गया है 38,220 ओके। तो देन आप लोगों को इसमें भी यूक्लिड थ्योरम का प्रयोग करना है, यूक्लिड थ्योरम में आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया है क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, देन यहाँ पर एक कंडीशन रखी जाती है ये वाली जो आप लोगों से क्या कहती है, ये कंडीशन आप लोगों से कहती है कि बी का मान जो है आर से बड़ा होना चाहिए, इसी के लिए आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देन आप लोगों को मैंने जैसा कि अभी आपको बताया 196 जो है इससे बहुत छोटा है, तो इसको हम डिवाइड देना शुरू करते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से जाने वाला है 1,300 ओके। इस प्रकार से आपको देना है, तो पहला ही जो आप लोग का होने वाला है क्या आप लोग देख सकते हो, इसमें यदि आप 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ यदि 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया तो 300 822 से ज्यादा होना एकदम क्लियर ही है,
क्योंकि आप 19 into 2 करते हो तो इसमें 38 आप लोगों का 380 हो जाता है, तो आप लोगों का वन टाइम ही यहाँ जाएगा। और आप लोग बताना चाहूंगा ये रहा, तो आप लोगों का वन टाइम यहाँ पर जाने वाला है, तो वन टाइम में आप लोग बताना चाहूंगा वन टाइम ये रहा आप लोगों का 196। ये आप लोग यदि माइनस करते हो इसमें आप लोगों का तो क्या आने वाला है, ये आ गया आप लोगों का 6। साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ 7 होने वाला है, और 7 की यदि हम बात करें तो ये आप लोगों का 7 में से भी 9 आपके जाने वाले हैं, तो आप लोगों का क्या होने वाला है 17 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 9 जाने वाला है। तो इस प्रकार की यदि आप लोगों का अब यहाँ पर आप लोग 8 होता 18 होता तो कितना बचता 9। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर 18 तो नहीं है, तो आप लोग क्या करना होगा यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, क्योंकि एक कम है ना, तो एक ही कम तो होना चाहिए बस, तो आप लोग कितना बचने वाला 8। इस प्रकार के आप लोगों को मन ही मन कर देना है, और यहाँ से जो हमने 1 कैरी लिया था 2-1 ये आप लोगों का 1 आने वाला है। अब आगे की ओर यदि हम चलते हैं तो आप लोग 2 हमको नोट करना होगा। अब यदि इसमें यदि हम मल्टीप्लाई की बात करें तो इसमें यदि हम क्या है आप लोगों को एक एक चीज जो है चरण एक एक चरण क्लियर करवाना चाहते हैं, तो यदि आप लोगों इसमें जो है मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो इसमें आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो 196। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा कितने बार आप लोगों का जा सकता है, यदि आप इसमें 10 टाइम्स करते हो तो आप लोगों का 1960 हो जाएगा, मीन्स यदि आप लोग करते हो तो आप लोगों का लगभग जो है 19 की टेबल आप लोगों को आना चाहिए, तो 19 से यदि आप पढ़ते हो तो लगभग 9 का गुणा यदि आप करते हो 96 into 9 ये आप लोगों का हो जाएगा 9 6 आप लोगों का होता है 54 54, और नंबर 81 81 and 5 आप लोगों का 6 होता है, एंड आप लोगों का ये हो जाएगा 9 1 9 देन आप लोगों का हो जाएगा 107 ये आप लोगों का हो जाएगा, मीन्स आप लोगों का 176 4 आप लोगों का हो जाएगा। इसको यदि आप माइनस करते हो तो 12 में से आप लोगों का 4 जाने वाला है, ये आप लोगों का आने वाला है 8, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों का 15 हो जाएगा। यदि आप इसमें 6 माइनस करते हो तो आप लोगों का 9 आने वाला है, साथ ही साथ यहाँ 0 and 0, तो आप लोगों का नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो ये आने वाला है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि इसका कितने बार मल्टीप्लाई जो हम कर सकते हैं, तो 19 के लिए हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 टाइम्स इसका आसानी से जो है जा सकता है, तो आप लोग इसका देख सकते हो यदि 5 टाइम्स इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 5 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई करेंगे जो 196 है इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 30 एंड 5 9 45 ये हो जाएगा 48 देन आपको 4 8 means 980 मीन्स 5 टाइम्स यदि आप करते हो तो 980 ही आप लोगों का आने वाला है, यदि आप इसको माइनस करते हो ये आप लोगों का आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग आसानी से देख सकते हो यदि आप इसको कर रहे हो तो यहीं पर आप लोगों को 0 जो है प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से यदि आप लोग किसको लिखोगे, इसको लिखना होगा, यदि आप इसको लिखोगे 338,222 इसको यदि आप इक्वल लिखोगे तो 196 में कितने का मल्टीप्लाई करने वाला 195 और ये प्लस में 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आप लोग देख सकते हो कि पहली बार में ही आप लोगों का जो है 0 आ चुका है, तो आप लोग इसमें कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं, जब पहली बार में ही 0 आ चुका है तो आप लोगों का पहली बार में ही क्लियर हो चुका है, तो इसमें जो आप लोगों का क्या राइट आंसर होने वाला है 196 से आप लोगों का 0 आया तो 196 ही इसका जो है आप लोगों का SCF होने वाला है, और आप लोगों को कोई भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है, जो कोई भी परेशान होना है वो हम लोगों को ही होना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्या कहता है, अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आपने आसानी से नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और यदि आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, यदि कुछ भी आप लोग हमसे पूछना चाहते हो। तो इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन को ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है क्या कहता है आप लोगों से इसको नोट कीजिएगा तत्काल, मैं आपको बताना चाहूंगा जब कभी भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं सो प्लीज कॉपी पेन साथ लेकर ही बैठना है, क्योंकि यदि आप कॉपी पेन साथ लेकर नहीं बैठोगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, यदि आपको पता नहीं चलेगा तो आप पढ़ोगे कैसे है, तो आप लोगों को हर चीज के लिए आप लोगों को तैयारी खुद की भी करनी होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया गया 867 मीन्स आप लोगों का थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है 867 एंड आप लोगों का दिया गया है क्या 225, तो कौन सा बड़ा है आप लोगों का 867, तो आप लोगों को अपने क्वेश्चन बुक में ही देखना आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, तो इसमें आप लोगों को यदि डिवाइड देना पड़े तो किसका देना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा 225 का, तो यदि आप लोग यहां देखिए 225 यदि आप डिवाइड देते हो 867। अब यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये 1 time 2 times and 3 times मोस्ट ऑफ आप लोग यदि इसको देना चाहो तो 3 times ही जा सकता है, क्योंकि यदि आप 4 times भी कर देते हो हर चीज थोड़ा कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। आप लोग यदि सोचिएगा यदि इसका आप 4 times भी करते हो तो आप लोगों को पहला ही देखा होगा जो आप लोगों का क्या है 100 वाले स्थान पर रखा हो, यदि इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो 800 वैसे ही हो जाएगा, फिर इसमें यदि 4 का मल्टीप्लाई करोगे
100 हो जाएगा, 900 आसानी से हो जाएगा। सो आप लोगों को कितना 3 टाइम्स ही करना है, 2, 2 एंड 5। यदि आप 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों का 3, 5 जा 15 एंड आपका 1 कैरी होने वाला है, 3, 2 जा 6 एंड 1, 7 एंड 3, 2 जा 6 आप लोगों का मीन 675 आप लोगों का हो गया। इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, 675 आप लोगों का हो गया, 675। इसको यदि आप माइनस करते हो तो आप लोगों का 2 एंड ये आने वाला है आप लोगों का 752, ये आने वाला है आप लोगों का, यदि बात की जाए ये कितना हो जाएगा 16, और 16 में से आप लोगों का कितना 7 आने वाला है, तो आप लोगों का साइज से 9 होना चाहिए यहाँ पर, 3, 2 या 6 एंड 7, हाँ 9 होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप इसकी बात करें 7 में से 192 आप लोगों का हो चुका है। तो यहां तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ओके। फिर भी आप लोगों को एक बार और चेक कर लेना है, यहां तक ये रहा आप लोगों का 3 टाइम्स किया है, 3 टाइम्स यदि आप करोगे एंड 25 आने वाला है, 7 में से 5 यदि आप जाओगे तो कितना आने वाला है 2 एंड देन आप लोगों का 7 से 5 2 एंड आप लोगों का 6 में से 7 जो नहीं जा सकता, यदि आप इसको 16 करोगे तो 16 में से जो है आप लोगों का जा सकता है, तो 867 है। आप लोगों को एक बार और क्वेश्चन चेक कर लेना है, मुझे क्या है डाउट होता है, हाँ जैसा कि आप लोग बोल रहा था कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप लोग का यहाँ पर 5 होने वाला है, ओके। इसी प्रकार से क्या है कि हम लोग इसको पहले आप लोगों के लिए हर चीज जो है एक्यूरेट देना चाहते हैं, कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे यहाँ पर 3 आने वाला है, ओके। यहाँ पर आपको 3 आएगा, यदि 255 यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 255 यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोग क्या होने वाला है, 3, 5, 3 जा 15 एंड 1 एंड यू होगा आप लोगों का 5, 3, 15 एंड 16 एंड 1 होगा 3, 2 जा 6 एंड 7, ओके। तो 3 टाइम करोगे तो ये आप लोगों का ये आने वाला है, ओके, सॉरी 5, 5, 3 जा 15 तो ये 5 आने वाला है। इसमें से यदि आप इसको माइनस करते हो 2 एंड 6 में से 6 आप लोगों का 0 आने वाला है एंड ये आप लोगों का बनाएगा। तो आप लोग यदि यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से यदि आप इसको लिखना चाहोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, 867 यदि आपका इक्वल होगा तो किसके इक्वल होगा, 255 एंड यदि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 का एंड रिमाइंडर आपको कितना मिलता है 102। जैसा कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम आपसे क्या कहती है, आर का मान छोटा होगा 20 से, आर का मान अपना यहाँ रहता है, आर का मान छोटा होगा 20 से, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ओके। अब यदि 0 तो आया नहीं है तो हमें 1 टाइम और डिवाइड देना होगा, किसमें, इसमें, इससे तो अब होना जाना है नहीं कुछ, तो इसमें यदि आप 1 टाइम और डिवाइड देते हो तो 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम्स भी जाएगा, 2 टाइम्स ही कर दीजिए तो 2 टाइम्स आएगा आप लोगों का, तो ये हो जाएगा 4, 0 और आप लोगों का हो जाएगा 2, माइनस करते हैं तो ये होगा आपका 1 और ये आप लोगों का होने वाला है क्या 5, ये आप लोगों का 0। मीन्स यदि आप इसको लिखना चाहो, किसको आप लोग 225 को भी तो लिखोगे, तो आप 225 को यदि लिखोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या 102 × 2 और प्लस कितना 51। अब आप लोगों को 51 से भी डिवाइड देना है, अभी भी इसको संतुष्टि नहीं मिली, 0 नहीं आया है, इसमें यदि 2 टाइम्स ही दे दो, यहीं पर दे दो 2 टाइम्स ही कर दे तो आप लोग 102 ही आना है, ओके। ऐसे यदि हम करते हैं तो 0, 0, 0 मीन्स आप लोगों का जो रिमाइंडर 0 आया है, मीन्स यदि 102 को यदि आप लिखना चाहोगे देन आप लोगों क्या होने वाला है 51 × 2 देन आप लोगों का होने वाला है रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है 0 किस संख्या से भाग देने पर आया 51 से, देन आप लोगों का राइट आंसर क्या होने वाला 51, योर SCF इज क्या होगा 51, ओके। आई होप इसमें अभी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग कोई भी बात के लिए परेशान हो तो आप लोग मेरे संडे कमेंट बॉक्स हाजिर है। आगे की ओर चलते हैं, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देखना है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, और मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फैक्ट जो है लेकर के आते रहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का क्या कहने वाला है आपसे मैं बताता हूं आप लोगों को, जब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी 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 अच्छा है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है मैं इसको एक बार और लिख दूं, यूक्लिड जो थ्योरम आप लोगों से क्या कहती है, a = vq + r। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का आपसे क्या कहता है, आप लोगों को अपनी बुक्स में देखना है, क्वेश्चन जो आप लोगों से कहता है सॉ दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ फ्रॉम 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड आप लोगों को दिया गया है 6q + 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स, मीन्स आप लोगों का दिया गया है एक हमें ऐसी संख्या दर्शाना है जिसका धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार होना चाहिए 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड 6q + 5 होना चाहिए। अब वो आप लोगों का एक ध्यान से सुनना है, धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए,
जैसा कि आप लोगों को मैं एक शब्द से ही क्लियर करवा दूं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए लेकिन विषम होना चाहिए, नहीं पॉजिटिव और इंटीजर्स। आप लोगों का क्या दिया गया, मैं आपको सॉ एनी पॉजिटिव और इंटीजर, तो आप लोगों का पॉजिटिव और इंटीजर मीन पीयूआई हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो यदि आप लोग इसको बोलोगे पॉजिटिव और इंटीजर क्या होते हैं, द वेरी फर्स्ट मैं आपको इंटीजर्स बताना चाहूंगा, ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, मीन्स आप लोगों का जो इंटीजर में पूर्ण अंक, जैसे और आप हिंदी में बहुत सी चीजें आसान होती है, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है पूर्ण अंक, तो पूर्ण अंक मीन्स जो अंक पूरा लिखा जा सके दैट इज कॉल्ड इंटीजर। आप लोग इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को क्लियर हो गया इंटीजर। अब और भी यदि बात की जाए तो दोस नंबर्स आर डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड इवन, ओके, दोस नंबर आर नॉट डिवाइडेड बाय टू इज कॉल्ड ऑड। सो आप लोगों को यहां पर ऑड नंबर पूछा गया है और साथ ही साथ पॉजिटिव इतना तो आप जानते ही होंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले बताना है पॉजिटिव ऑड नंबर आप लोगों का क्या होने वाला है। तो मैंने आप लोगों का मान लिया जैसे कि आप लोगों का होने वाला है सेवन। अब मैं आप लोगों को जो सवाल करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है कि हमें ऐसा जो है संख्या मानना है दर्शाइए कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक 60+1 के रूप में होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक बिल्कुल इसी के रूप में होता है। किस प्रकार से होता है, मान लिया हमने हमें कोई सा भी पूर्णांक लेना है, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं हो रही, किस प्रकार से दर्शाना है 6³। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आप लोग 6³+1 और आप लोग 6³+3 6³+3 और आप लोगों का 6³+5 इस रूप में आप लोगों को दर्शाना है। तो जैसा कि आप लोग क्लियर फेंक रहा है क्या कि आप लोग एक बार देखिएगा यूक्लिड थ्योरम, आप लोग क्लियर दिख रही है यहाँ पर लगी हुई कि हम देखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा, हुआ होगा, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विच डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वोशेंट इनटू क्या होता है आप लोगों का रिमाइंडर, तो आप लोगों का सॉरी प्लस से होता है रिमाइंडर, तो इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कि आप लोग दिया गया हमें क्या है पॉजिटिव लेना है, ऑड लेना है, इंटीजर होना चाहिए, तो हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया सेवन। देखो पॉजिटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है, क्योंकि ये पहले आपको पता होना चाहिए यहां पर ये बी आपका 6 है, यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इसमें क्या आना चाहिए, इसमें यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा और 6 यदि आप करते हो तो, यदि आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हो, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप 6 से डिवाइड दे रहे हो किसी भी संख्या में 6 से डिवाइड दे रहे हो, अब यदि आप उसमें 6 से डिवाइड दे रहे हो तो आप लोगों का रिमाइंडर जो है क्या क्या हो सकता है आप लोग सोचिएगा। आप डिवाइड उसमें 6 से दे रहे हो तो आप लोगों का रिमाइंडर क्या हो सकता है, एक तो 0, एक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। यदि आप 6 करोगे तो उसका रिमाइंडर नहीं होगा, तो रिमाइंडर आप लोग क्लियर है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आप लोगों का नॉर्मल चीज है, ये आप लोगों को आना चाहिए। यदि आप 6 से किसी भी संख्या में डिवाइड दे रहे हो, मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर दिया गया 1, 3 एंड 5, कहीं पर 6 क्यों नहीं दिया गया, 6 इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, और रिमाइंडर नहीं हो सकता तो ये आप लोग क्लियर है। इसी प्रकार से हमें यही तो सिद्ध करना था, तो ये आप लोगों को मैंने जो एकदम बेसिक तरीके से क्लियर कर दिया, ये आप लोगों का पहला था, आप लोगों का 1 रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, मीन्स आप लोगों का ये क्लियर हुआ है। अब इस प्रकार का लेना है क्या, अब हमने लिया अपना कितना वाला कि हमारा 3 आना चाहिए, आप लोगों का 7 के बाद क्या आने वाला 8, लेकिन ये पॉजिटिव है लेकिन ऑड नहीं है। 9 की यदि हम बात करें तो 9 में हाँ, यदि आप 9 में डिवाइड देते हैं, ये रहा आप लोगों का पॉजिटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है, इसमें अभी 6 से डिवाइड देते हैं क्योंकि 6 यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, देयरफॉर हम 6 ही ले रहे हैं, तो 1 टाइम यदि हम देते हैं तो इसमें आप लोगों का क्या रहा है रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो 3 आप लोगों का यहाँ आ रहा है क्योंकि रिमाइंडर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, वो सिर्फ आप लोगों से रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग यदि क्वेश्चन जो पेपर में आता है आप लोगों के जो स्कूल में होंगे, आई होप आप लोगों को जो इबारत सी लिखवा दी होगी कि इस प्रकार से जे वो और 4 से टप हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बताने वाला, एकदम क्लियर आप लोगों करने वाला हूँ कि एक तो यहाँ पर कहीं पर भी 6 रिमाइंडर नहीं दिया गया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ आप लोगों को यदि रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टिव आपके रिमाइंडर हो सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के ये 2 मैंने ले ली है, अब आप लोगों को 5 वाले पर जाना है, तो आप लोगों का हो सकता है 12, लेकिन आप लोगों का 12 नहीं होगा, यदि आप 12 की करने वाले हो तो आप लोगों का नहीं हो। 11 की बात करते हैं, 11 में आप डिवाइड देते हो 6 से, तो 6 + 6 एंड आप लोगों का जो वो क्या आने वाला है 5, तो ये आप लोगों को तीनों देख रहे हैं क्या, देखो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव है तीनों की तीनों, बिल्कुल है सर, यदि बात करें ऑड है तीनों की तीनों, बिल्कुल है सर, और साथ ही साथ आपको इंटीजर है तीनों की तीनों, बिल्कुल है सर, तो आप लोगों की तीनों टर्म्स को ये फॉलो करते हैं, तो आप लोगों का जो आंसर क्या होने वाला है आप लोगों को सिर्फ दर्शाना है, तो आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल दर्शा दिया। किस प्रकार से दर्शा दिया कि आप लोगों का यदि शेष पर की बात करें समावेश पर,
क्योंकि ये आप लोगों को दिया गया, देखो ये आप लोगों का दिया गया, क्या दिया गया, ये यहां पर आप लोगों का जो है रिमाइंडर जो है बी से छोटा होगा, तो रिमाइंडर जो है बी से छोटा ही होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि यदि ये रिमाइंडर के बराबर भी हो जाता है तो डिवाइड आसानी से चला जाएगा। इसी के हिसाब से ये प्रूफ होता है आप लोगों का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ओके, आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम आप लोग की संडे क्लासेस जल्द से जल्द शुरू कर सके। आइए चलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो आप लोग क्वेश्चन है, ये बार बार कैसे यूक्लिड थ्योरम क्या चाहती क्या है, मिटलना चाहती है, मिटल जाए, बार बार हट जाता है ये। ओके, इसको शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग, जब तक कि मैं ये साफ करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना है, समय आप लोगों को ये बचाना है क्योंकि आप लोगों की बोर्ड क्लास है। और मैं आप सभी को आज से ही इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जिस दिन आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं जनवरी से, लगभग हम आप लोगों की कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के लिए एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों के लिए लाइव ला करके जो रख दिया जाए, जिससे आप लोग हमसे जुड़ सको और एक एक अपना कंसेप्ट क्लियर कर सको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन की लंबाई देख करके उसे डरना नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, एन आर्मी ये दिया गया है, कैंटीन में दिया गया है, ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन द इन ए परेड, भी दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्यों की जो है वाली एक सेना की आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है, बिल्कुल करना है सर, उसने बोल दिया है। और आपको दिया गया है द टू ग्रुप्स ऑफ आर द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स दिया गया है आप लोगों को दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मीन्स पूछा गया है अधिकतम कितने जो है, कितने वो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है जिनमें मार्च कर सकते हैं। अरे भाई, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, यदि आपको दिया गया है इस प्रकार से आप निकाल दो, अधिकतम पूछा गया हो, जैसा कि आपको पता है कि एससीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें आपको कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए। अब जब वो सीधा सीधा बोल गला फाड़ के कह रहा है कि एससीएफ निकालना है तो निकाल दीजिए ना, दिक्कत कहां आ रही है आप लोगों को। दिया गया है जैसे कि टोटल कितने 616 सदस्य, बिल्कुल सर, मान लीजिए 616 सदस्य हैं और आप लोग 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है, 32 सदस्य मतलब एक आर्मी बैंड में कितने 32 लोग होने वाले हैं, तो आप लोगों को एकदम क्लियर फेंक रहा है क्या कि आप लोगों का एससीएफ क्या होगा। तो आप लोगों का 32 और ये इस प्रकार से दिया गया है, सेम टाइम आप लोग करना है 32 से, यदि आप करते हो क्या करने वाले हो, ये रहा ये 32 वन टाइम ही जाएगा क्योंकि आप लोगों का क्या 3 कम हो गया, मीन्स आप लोगों का यहाँ पर 11 में से 2 जाने वाला 9 और 5 में से 3 आप लोग 9, और इसका यदि आप करते हो जुगाड़ तो क्या हो जाएगा 3 से होने वाला है क्या, इसमें यदि आप पूरा पूरा डिवाइड देने वाले हो तो ये आप लोगों का होने वाला है 9 टाइम्स, मीन्स आप लोगों का ये 9 और ये पूरा फुल कंप्लीट नहीं होगा, ये आप लोग देखना है कितनी बार 3 मीन्स 3 7 21 3 8 24 3 9 27 9 टाइम्स यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोग क्या आता है 9 2 18 और आप लोगों का यहाँ 1 और 9 3 27 और 28 हाँ बिल्कुल 9 टाइम्स भी आप लोग काम कर गया, 9 2 18 और 8 आ गया हाँ सिर्फ 1 और 3 जो 9 3 27 1 28 मीन्स 9 टाइम्स आपका काम कर गया। इसमें से यदि आप इसको घटाओगे तो आप लोगों का 8 आने वाला है, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा ये आप लोगों का 8 आ गया, अब यहाँ पर आप लोगों का कितना है जो है 9 है ये बना आ जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, मीन्स आप लोगों का 8 ही आने वाला है। मीन्स यदि आप 660 को लिखना चाहते हो तो किस प्रकार से लिखोगे, 32 into 19 और ये आप लोगों का दिया गया है कितना प्लस का 8। आई होप यहाँ तक आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का जैसा कि इसमें दिया गया है तो वैसा आप लोग सिद्ध हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का रिमाइंडर सुने नहीं है तो आप लोगों को फिर से 8 से डिवाइड देना होगा इसमें 32 में, आप लोगों का मार्कर जो चल नहीं रहा है इसको चेंज करना अत्यंत आवश्यक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए। ओके, अब इससे यदि आप मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करते हो तो ये 8 आप लोगों को नॉर्मल टेबल होगी 4 टाइम्स, 32 यदि आप देते हो तो आप लोगों का 0 0 आसानी से आ जाएगा, मीन्स आप लोगों का यदि 32 की हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा जो है कितना 8 into 4 और प्लस 0 रिमाइंडर आएगा, तो आप लोगों का जो है आंसर होने वाला है कितने कॉलम्स हो सकते हैं 8, क्योंकि 8 से डिवाइड देने पर हमें कितना प्राप्त हुआ है 0, मीन्स आप लोगों को सीधा सीधा आप लोगों से जैसा पूछा गया था और हमने आप लोगों का उसका आंसर दे दिया है। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे अपनी बुक्स अपने पास ही लेकर के बैठे, क्योंकि आप लोगों को ऐसा फील तो होना चाहिए कि आप कोचिंग जो ट्यूशन ले रहे हो। ओके,
लेकिन साथ में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले आना चाहूंगा, अगला जो क्वेश्चन है उसको जब तक भी आप पढ़िएगा, जब तक मैं इसको करने की कोशिश करता हूं और करूंगा तो आप ही लोगों के सामने इसको शुरुआत करता हूं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m एंड आप लोगों को 3m+1 फॉर सेम इंटीजर ऑफ m। देन आप लोगों को एक तरीके से मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है सिर्फ, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लेक्चर वाले क्वेश्चन है, आप लोग से कहते क्या है मैं आप लोगों को हिंदी में एक बार और बताता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, 3m और 3m+1 के रूप में होता है, बिल्कुल होता है सर, मैं इसको सिद्ध करना चाहूंगा कैसे होता है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों से क्या कहा गया है कि m का एक मान लेना है, किस प्रकार का मान लेना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, क्या कहता है, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, पूर्णांक होना चाहिए बिल्कुल इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, PIS धनात्मक पूर्णांक और क्या क्या स्क्वायर होना चाहिए। ओके, अब आप लोगों को कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लेना है जिसमें आप लोगों को ये दिया गया है, तो धनात्मक पूर्णांक बहुत सारे आप लोग दिए रहते हैं और आप लोगों को सीधे क्या करना है, मतलब दर्शाना है एवरीथिंग, आप लोगों को स्वैप करना है क्या एम का मान इस प्रकार से क्या 3m और 3m+1 के रूप में ये सब कुछ आता है, बिल्कुल आता है। आप लोग कोई सा भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, मैंने ले लिया है आप लोगों के लिए ले लिया 2, जैसा कि आप लोगों से कह रहा है धनात्मक दबेरी प्लस धनात्मक, आप लोगों से कह रहा है पूर्णांक तो आप लोगों के लिए है पूर्णांक, अब आप लोगों से कहता है स्क्वायर तो बिल्कुल इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर होने वाला है आप लोगों का 4। अब आप लोगों से क्या कह रहा है कि आप लोगों को इसका पूरा पूरा देख देखना है, तो आप लोगों को यदि इसमें 3 से ही डिवाइड देना है तो 3 से ही देंगे, तो आप लोग इसमें 3 से यदि डिवाइड देते हो 3 से ये रहा, आप लोगों यदि 3 से इसमें डिवाइड दोगे 3 × 3 और ये आप लोगों का आने वाला है, कितना आने वाला है आप लोगों का 5। आई होप इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों का बन आ चुका है। अब आप लोगों के लिए 0 भी शो करना है, तो मुझे आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करवानी होगी जिसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, तो इसमें आप लोगों के लिए बन आ गया। अब आप लोगों के लिए 3m वाला भी कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो 3m वाला भी ऑप्शन यदि हमने ले लिया कि 3 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसका वर्ग भी होना चाहिए, अभी 2 का लिया था, अब हम लेकर के चलते हैं आपको 3 की ओर। तो आप लोगों के लिए एक्सपेक्टिव EXPECTIVE एक्सपेक्टिव रिमाइंडर मीन्स संभावित जो आपके रिमाइंडर होंगे इसमें REMAINDER जो आप लोग क्या हो सकते हैं 0, 1 और 2, क्योंकि 3 तो आपका फाइनल होने वाला है। ओके, सो आप लोगों का ये रहेगा। अब आप लोगों का नेक्स्ट हमने लिया 3 ले लिया, आप लोगों से बोल क्या रहा है वो आप लोगों को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आपका कितना होगा 9 और यदि आप 9 में 3 से डिवाइड देते हो तो आप लोग क्या आएगा 3×3=9 आएगा, तो आप लोगों का 0 आ गया, तो 0 और 1 पर ही आप लोगों को प्रूव करना था। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना है, तो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज थर्ड कुछ इस प्रकार के सिर्फ इसमें आप लोगों को समझने की कोशिश करना है, और जो भी एग्जामिनर आप लोगों से बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आप लोग कुछ हुआ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको प्रूव करना है। तो आप लोगों ने सिद्ध कर दिया, बिल्कुल ही सिद्ध कर दिया कि आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसा कि आप जो मन में आए, अभी हमने 2, 3 ले ली, 4 ले लीजिए, जैसे कि आप 4 ले लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है 16, और यदि आप 3 से इसको डिवाइड करते हो तो ये कितना होने वाला है 15 होगा, मीन्स 1 रिमाइंडर आएगा। यदि आप इसमें 5 ले लीजिए 25 होगा आप लोगों का, तो 1 रिमाइंडर आएगा, मीन्स 10 ही आप लोगों के रिमाइंडर आने वाले हैं, और आप लोगों का इसमें कोई परेशानी कोई भी परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसको आप आसानी से जो प्रूव करके ले सकते हो, दैट्स प्रूफ। आप लोगों को परीक्षा में सबसे इंपोर्टेंट इस प्रकार से आप सिद्ध कर लोगे, देन आप लोगों को ये लाइन बहुत ही आवश्यक तरीके से लिखनी है, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर इज, लिखना है द स्क्वायर ऑफ 2 ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज। आप लोगों का पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया 3m और 3m+1, ये 3m एक 1 ही हो जाएगा, और यदि आप इसका लेते हो तो आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन में दिया गया था, वो आप लोग किसी पूर्णांक m के लिए, तो m क्या होना चाहिए पूर्णांक, जैसा कि आपको बताया कि m हर बार हमने पूर्णांक ही रखा,
पहले हमने क्या रखा था, दो, और दो का वर्ग कितना होता है चार, और चार का यदि थ्री मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा ट्वेल्व। एम का वर्ग उन्होंने क्या रखने को बोला था, एम का, तो हम यहाँ पर टू रखा था। अब यदि हम थ्री की बात करें सीधा मल्टीप्लाई भी करते हैं तो सिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर मैंने जीरो ही आता था, जैसा कि मैंने आप लोग नेक्स्ट बताया थ्री रखने की कोशिश की थी, थ्री हमने यदि हम पुट किया था तो आप लोग यहाँ पर वन रिमाइंडर से आ रहा है। अब आप लोगों को ये बिल्कुल ही सिद्ध होता है, आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों के लिए ऑफलाइन कमेंट हाजिर है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए संडे कमेंट बॉक्स जो है हम जल्द से जल्द लेकर के आने वाले हैं। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला जो क्वेश्चन आप लोगों से कहता क्या है, लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। यदि इसको नहीं समझा तो किसको समझा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों का सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों से बोला कुछ नहीं गया, क्वेश्चन आप लोगों का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सॉल्व दैट द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। वेरी 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 इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है आप लोगों से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m and 9n+1 मीन्स किस प्रकार से दर्शाना है, 9m, 9m+1 और कहता है 9m+8। बिल्कुल कह सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हम रिमाइंडर की बात करें तो 9 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये तो वो अपने आस छोड़ ही दे। अब जैसा कि आप लोगों से बोला गया क्या कि ये दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, अब पूर्णांक होना चाहिए, एम का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और ये धनात्मक भी होना चाहिए और इसका घन भी होना चाहिए। तो आप लोग लेते हैं, सबसे पहले हमने लिया दो ही ले लिया, तो दो का यदि हम बात करें, दो ले लिया, दो का घन की यदि बात करें कितना होने वाला है, दो तो छोटा हो जाएगा, तीन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 27, और 27 और 9 से यदि हम डिवाइड देते हैं, 9 divided by 27, क्योंकि 9 हमें यहाँ पर दिया जाता है उसी से डिवाइड किया जाता है। बच्चों घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी क्लासे आप लोग घर बैठे ही उपलब्ध होंगी। तो यदि 9 से इसमें यदि हम डिवाइड देते हैं तो 9 3 27 ये माइनस हो जाएगा, देन आप लोगों को 0 and 0 आने वाला है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स आप लोगों का 9m टोटल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों का प्रूफ हो चुका है। यदि आप 3 रखते हो ना तो या सकता है ऐसे ना, आप 9 से डिवाइड दे दो आप लोगों को 0 आता है, मीन्स 9m आप लोगों को क्लियर है। m की जगह यदि आप 3 रख सकते हो नो प्रॉब्लम। अब आप लोगों को इस प्रकार से लेना है कि हमने 3 पुट किया था, अब अगला हम ले सकते हैं 4, 4 पे यदि हम लें तो 4 4 16 होगा, कितना होगा 3 9 4 ये होगा आप लोगों का 64, और यदि हम बात करें क्या हो रहा है आप लोगों का 64। क्यू लेना की बोला है ना, क्यू फोर का यदि क्यू करेंगे तो क्यू आप जानते हो क्या होता है, ये होता है क्यू, थोड़ा पढ़िएगा, यदि क्यू नहीं आ रहा तो थोड़ा पढ़िएगा आप, कौन सी क्लास में, टेंथ में, अभी मेहनत नहीं तो कभी नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे यदि आपने अभी भी मेहनत नहीं की तो। आप इसकी बात करते हैं तो 4 × 4 और ये आप लोगों का 2 हो गया, और ये 4 6 24 मीन्स ये भी आप लोगों का पूरा ही 0 का 0 चला गया। मीन्स मैं आप लोगों को सिर्फ सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को जो है कंटिन्यू अपने कोशिश में करते रहना है किस प्रकार से आप लोगों को क्या क्या करना है। तो पहला आप लोगों का क्या था 3, और जो कि मैंने सिद्ध कर दिया है 3 पर भी हो रहा है, 4 पर भी हो रहा है। यदि 5 की बात करते हैं तो 125 होगा, 125 यदि 9 से डिवाइड हम करते हैं, सॉरी से यहाँ पर हमें एक गलती हो चुकी है, इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, सॉरी से मैं आई फॉरगेट कि आप लोगों को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से यदि हम बात करते हैं तो ये 9 7 63 63 हो जाएगा, ये आप माइनस करते हो ये 0 0 सॉरी से 1 रिमाइंडर आएगा। तो आप लोगों का दूसरा वाला भी प्रूव होता है किसके लिए, 9 और आप यदि कितना 4 के लिए। अब यदि हम बात करते हैं 5 की तो 5 की यदि हम बात करें तो आएगा आपका 125 25 और 125 125, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, हर एक चीज आप लोगों को आप ही की भाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ में आप लोगों को इसको भी आप जब तक भाग देकर के देखिएगा, देखते हैं इसमें आप लोग कहता क्या है, इसको भी 9 से डिवाइड देना है तो 9 × 9 और ये आप लोगों का हो गया 3 और 9 का आप ये टेबल पढ़ते हो तो 9 27 और ये आप लोगों का 8 रिमाइंडर बच गया। तो आप लोग कंटिन्यू देख सकते हो, ये आप लोगों का 1 बच गया, कितना बच गया 1, 0 बच गया, 1 बच गया, 8 बच गया, तो रिमाइंडर आप लोगों के 0 आ गया, 1 आ गया, 8 आ गया। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि यही सिद्ध करना है एम के मान, तो m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यदि आप वहां पर इसको यूक्लिड थ्योरम के रूप में रख रहे हो तो जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखा दिया है कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ हमारे स्कूल वाले जो मेंबर्स होते हैं
वो इन्हीं का घर कर देते हैं, इनका ही। तो इसमें भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इसीलिए लेकर के आता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारी स्कूल टीचर काट देगी, ये काट देंगे, वो काट देंगे। बिल्कुल, यदि आपके स्कूल टीचर वैसे करवाते हैं तो आपको एग्जाम में नंबर लाना है तो आप लोगों को वैसे भी करना होगा, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आई होप आप लोगों को कोई भी कंटेंट गलत नहीं होने वाला। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो लगातार वीडियो हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना कि आप लोग घर बैठे ही जो है सारी क्लासेस उपलब्ध होने वाली हैं। और इसी के साथ मैं प्रमोद सिंह आप सभी से विदाई लेना चाहूंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।